हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। भाई आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सेफेस्ट कार टाटा नेक्सॉन की। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स जब स्टार्ट करते हैं तो बीच में आपको मिल जाती है एक ग्रिल जो कि पियानो ब्लैक कलर की है, जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और इसमें यहाँ पर नीचे आपको क्रोम की बिडिंग दे रखी है जो पूरी आपकी हेडलाइट तक जाती है, ये यहाँ तक। वहीं अगर हम नीचे बात करें तो नीचे इसकी में कोई फॉग लैंप हमें नहीं मिलता। हाँ, हम आफ्टर मार्केट या कंपनी से करवा सकते हैं। ऊपर एक इसका बड़ा स्टाइलिश सा इंडिकेटर दिखता है जो काफ़ी दूर तक विजिबिलिटी देता है। बीच में आपको यहाँ टाटा का लोगो मिल जाता है बहुत बड़ा सा। नीचे आपको नंबर प्लेट मिल जाती है, उसके नीचे ड्यूअल टोन बम्पर मिल जाता है जो कि स्क्रैच रजिस्ट है। यहाँ पर आपको टोचन के लिए वो मिल जाता है हुक, इसको दबाएंगे तो निकल जाएगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में कार बिल्कुल सिंपल सोवर है। ये बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है XM। तो टायर साइज की बात करें तो इसमें आते हैं 16 इंच के टायर, 195 6G R16, ठीक है। वहीं इसके मिरर की बात करें तो ये आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है जिसके अंदर ये इंडिकेटर मिलता है आपको। इस साइड आपको साइड क्लैडिंग भी मिलती है जो ब्लैक कलर की, आप यहाँ देख सकते हो बहुत बड़ी सी, जो डोर को प्रोटेक्ट करती है। हैंडल यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। इस साइड आपको मतलब बॉडी पे यहाँ पे साइड एक्सेंट मिलता है जो कि ग्रे कलर का आता है वाइट कलर की कार में, और बाकी सारी कलर की कार्स में ये आता है वाइट कलर का। यहाँ पर आपको पेट्रोल का फ्यूल टैंक मिल जाता है, हम पेट्रोल गाड़ी देख रहे हैं। पीछे की तरफ आ जाएं तो पीछे यहाँ पे आपको गाड़ी का लुक बहुत अच्छा मिल जाता है। ये इसकी कुछ ऐसे पीछे की टेल लाइट है जिसमें इंडिकेटर ब्रेक का और यहाँ पे रिवर्स का मिल जाता है। यहाँ पे आप नेक्सॉन की बैजिंग देख सकते हैं, टाटा का यहाँ पे लोगो मिल गया। टाटा हर गाड़ी के पीछे शेर वगैरह कुछ बना के देता है क्योंकि इंडियन ब्रांड है, तो काफ़ी अच्छी है चीज़। यहाँ XM की बैजिंग देख सकते हो आप। रियर वाइपर और डिफॉगर इसमें अवेलेबल नहीं है, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आप जा सकते हो। रियर में भी आपको ड्यूअल टोन बम्पर मिल जाता है जो स्क्रैच रेजिस्ट है। वहीं पे आपको नीचे नंबर प्लेट भी मिल जाती है, उसके नीचे आप एक लैंप देख सकते हो छोटा सा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी है अवेलेबल आपको। तो गाड़ी के पीछे की बात करें अब तो जो भाई गाड़ी की सीट है पीछे से वो हर वेरिएंट में सेम आती है, चाहे आप टॉप मॉडल लो चाहे बेस मॉडल लो, सब में। यहाँ पे आपको कोई भी एसी वेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, पर यहाँ पे स्पेस है, आप इसमें कुछ रख सकते हो अपना। वो इसके एक अगर आप ऊपर वेरिएंट में जाओगे तो उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ इसका डोर है ड्यूअल टोन, और यहाँ पे पियानो फिनिश मिल जाएगी। चारों पावर विंडो आती है, सीट कवर आफ्टर मार्केट है। इस साइड देख लो ट्विटर है, JBL के स्पीकर आते हैं भाई इसमें, पावर्ड बाय हारमन। तो ऐसी है भाई ये कुछ पीछे से। पीछे इसमें कुछ खास फीचर वगैरह तो नहीं है दिखाने के लिए, ऐसी कुछ की मिल जाती है भाई इसमें। इसी से आप इसका बूट भी ओपन कर सकते हो जिसमें लॉक अनलॉक और एक लाइट का, अगर आप लाइट वाले को 3-4 सेकंड तक दबा के रखोगे तो आवाज़ आई होगी आपको। तो ये हो गया आपका अनलॉक, इसको बस आपको ऐसे उठाना है। ऐसा कुछ भाई इसमें बूट स्पेस मिलता है जो काफ़ी ठीक है इस कार के हिसाब से। ये पार्सल ट्रे आपको अपर वेरिएंट में मिलती है, आफ्टर मार्केट लगवा रखी है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ इसका टायर आ जाता है जो 16 इंच का स्टील रिम है। इसमें कंपनी ने कोई भी साइज़ छोटा वगैरह नहीं करा, डिग्गी बूट वगैरह काफ़ी हैवी फील हो जाता है आपको। ऐसा आपको इसका फ्रंट डोर मिल जाता है जिसमें यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर है, अगर रात के टाइम आप गाड़ी खड़ी करो और पीछे से कोई कार आए तो उसको ये दिख जाएगा कि हाँ भाई डोर ओपन है। यहाँ पे आपको इसके पावर विंडो के फंक्शन मिलते हैं, यहाँ से आप पीछे की विंडो लॉक अनलॉक भी कर सकते हो। यहाँ आपको डोर ओपनर मिलता है लॉक के साथ। आ गए भाई इसके इंटीरियर में, ऐसा कुछ आपको ये एनालॉग मिलता है देखने के लिए, MID इसकी। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। इसको कर देते हैं फुल ऊपर, चाबी लगाते हैं, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। भाई स्टार्ट होने के बाद इतने सारे कुछ आ जाते हैं। 200 तक की इसमें टॉप स्पीड है, RPM मीटर 8000 तक मार्किंग है, पेट्रोल गाड़ी है तो अगर हम रेस दें इसकी तो भाई ये 8000 तक भी टच कर देगा।
यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसी वेंट्स, यहाँ मिलता है आपको साइड मिरर का कंट्रोल जो आप इधर से ही कर सकते हो। अपर वेरिएंट में आप इसको क्लोज भी यहीं से कर सकते हो। टाटा का लोगो, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में आपको फीचर्स मिल जाते हैं, सोर्स बदलने का, वॉल्यूम अप, कॉल कट एंड म्यूट का। यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट मिल जाता है। गाड़ी में वाइब्रेशन है भाई, वाइब्रेशन फील हो रही है मेरे को स्टीयरिंग व्हील पे, आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रही होगी। बीच में आपको मिल जाती है यहाँ पे इसकी MID, जिसमें मोड्स हैं, एवरेज, ट्रिप, फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, सब कुछ दिख जाता है। इस साइड आपको मिल जाएंगे लाइट से रिलेटेड, इसमें आप पार्किंग लाइट, हज़ार लाइट, सब कुछ ऑन कर सकते हो। हाई बीम, लो बीम सब यहीं से हो जाती हैं। ये पास का यहाँ पे आप लाइट एडजस्ट कर देते हो, इंडिकेटर अप डाउन। इस साइड आपको मिल जाएगा वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, जिसमें काफ़ी सारे स्पीड के वो हैं, तो अभी चलाते नहीं। आ जाते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक छोटी सी स्क्रीन। अगर आप इससे एक दो मतलब इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे तो उसमें आपको 6.5 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी। नीचे आ जाते हैं, ये आपको पार्किंग लाइट्स मिल जाती हैं, एसी वेंट ऐसे कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट, होम, ट्रैक का, ब्लूटूथ। हाँ, और गाड़ी में ब्लूटूथ, ऑक्स, USB वगैरह सब कुछ है। वहीं थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो इसमें AC मैनुअल है, ऑटोमेटिक वाला नहीं है, जहाँ पे ऐसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, देख सकते हो आप। वहीं नीचे आप यहाँ से भी अपना बूट अनलॉक कर सकते हो गाड़ी का। यहाँ पे आपको मिल जाता है USB, ऑक्स और चार्जिंग सॉकेट जो कि है 12 वोल्ट का। यहाँ आपको मिल जाता है इसका 6-स्पीड मैनुअल सिस्टम, सिटी, इको, स्पोर्ट्स। वहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हो सेंटर में, ये इको मोड हो गया, सिटी स्पोर्ट्स मोड हो गया, ये वापस से सिटी मोड हो गया। भाई फ़र्क पड़ता है, गाड़ी हर बार कुछ अलग ही दिखाती है परफॉर्मेंस अपनी। इस तरफ इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो अंदर तक काफ़ी बड़ा है। अगर आप एक दो वेरिएंट, एक ऊपर वेरिएंट लोगे तो आपको यहाँ पे टैबलेट रखने का भी मिल जाएगा। ये हो गया, यहाँ आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता। ऊपर की लाइट आपको वाइट मिल जाती है LED, ये कंपनी फिटेड ही है। यहाँ आपको मिरर मिल जाता है बिना लाइट के। थोड़ा सा पीछे आए तो यहाँ पे स्पेस दे रखा है आपको, अगर फ़ोन वगैरह रखना हो, कप्स वगैरह रखने हो, ऐसा कुछ इसका हैंड ब्रेक मिल जाता है। भाई अगर हम बात करें नेक्सॉन के बोनट की तो वो यहाँ से खुलता है, ये खुल गया। गाड़ी अभी स्टार्ट है, ज़रा सी भी मतलब आवाज़ है पर इतनी आवाज़ नहीं है गाड़ी में, तो यहाँ से खुलता है। तो ये है भाई इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो ऐसे आवाज़ करता रहता है थोड़ी 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 थोड़ी, पर अगर बोनट बंद हो तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पे एक ऐसे कवर सा दे रखा है जिससे आवाज़ मतलब अंदर कम जाती है, गाड़ी के अंदर बहुत कम जाती है, बाहर थोड़ी बहुत आएगी। और यहाँ इसकी बैटरी, यहाँ इसके वाइपर का कनेक्शन, सॉरी कूलेंट वगैरह का, और यहाँ इंजन जो थोड़ी गर्म सी हवा फेंक रहा है, तो अब हम इसे बंद कर देते हैं।